आज माता की महफिल है और हमारे लिए और आप सब दोस्तों के लिए जितने भी साइडों पे खड़े 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 सबके लिए ये बड़ी साजत की बात है कि हम इन अजीम सदात की खिदमत में आ गए और दुआ रब्बुल इज्जत हमें यहाँ से कुछ ले जाने की तौफीक अता करे। बाबा जी के बच्चों को पीछे कर और ये सारे बच्चे उठाते भी यहाँ से सारे बच्चे उठे बेटा और जो मेरे जिन्होंने ये पगड़ियाँ पहनी हुई हैं साफे पहने हुए हैं उनसे मेरी बहुत बाना गुजारिश है कि बंदा नवाजी फरमाएं आगे तशरीफ लेके आए क्योंकि अदब की जा है तमाशा नहीं कोई आगे तशरीफ ले मेरे बुजुर्ग बड़े जो साइडों पर खड़े हैं और जितने भी हजूर साबर पाक से नस्बत रखी हुए हैं मेरी नज़र उनको देख रही है तो उनसे मेरी गुजारिश बहुत बाना गुजारिश है कि वो इतने खूबसूरत कालीन बिछे हैं आगे और आप अगर बंदा नवाजी फरमाएं इन सुर्ख कालीनों की जीनत बने हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हो। नमाज पढ़ा दे कभी भी कदा ना हो गई वो आपके सामने महबूब बहियुद्दीन जलवा घर है और तमाम दोस्तों से अपील है कि आगे आ जाए। इजाज़त
ਮੁਖ ਤੇ ਮੇਮ ਦਾ
ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਰਾਜ
ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਅਰਸ਼ਾ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ